श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने विशेष प्रोग्राम में। इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं आयरन लेडी के नाम से मशहूर देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बारे में, जो कहती थी मेरे खून का एक एक कतरा देश की सेवा के लिए है। साथ ही आपको बताएंगे इंदिरा गांधी पर चली 31वीं गोली का राज। वैसे यह बात भी खासी प्रचलित है कि इंदिरा गांधी को अपनी मौत का आभास पहले ही हो चुका था। कई सियासी जानकारी तो यहाँ तक कहते हैं कि आखिर इंदिरा गांधी ने उस दिन बुलेट प्रूफ जैकेट क्यों नहीं पहनी थी। अगर उन्होंने जैकेट पहना होता तो शायद हमलावर उनकी जान नहीं ले पाते। तो चलिए इंदिरा जी के बारे में आपको तमाम तथ्यों से रूबरू कराते हैं। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, जिनका जन्म 19 नवंबर 1917 को नेहरू परिवार में हुआ था। 1959 और 60 के दौरान चुनाव लड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी इंदिरा गांधी और उसके बाद राजनीति में नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में सामने आई। साल 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद 26 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा की थी, जिसकी वजह से 2 साल तक सत्ता से बाहर रही। उसके बाद उनके बेटे संजय गांधी की मदद से 1977 में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी। इसके बाद इंदिरा ने देश की सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाया। इंदिरा गांधी कई काम संजय गांधी के सलाह से किया करती थी, लेकिन संजय गांधी की मौत ने उन्हें तोड़ दिया था। इसके बाद इंदिरा ने राजीव गांधी को सत्ता में आने की बात कही। हालांकि उन्हें राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मां के कहने पर वो सत्ता में आ गए। लेकिन इंदिरा को उत्तराधिकारी के लिए बहुत चिंता थी, क्योंकि राजीव गांधी को सत्ता में इतना ज्यादा दिलचस्पी नहीं था। इंदिरा गांधी ने अपनी पोती प्रियंका गांधी को अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था, लेकिन अभी तक उनका ये सपना पूरा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने अपनी जिंदगी में बहुत से उतार चढ़ाव देखे। पूरी दुनिया इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से पहचानती थी। इंदिरा गांधी का कहना था कि जब तक उनकी सांस चलेगी वो देश की सेवा करेंगी, और देश की सेवा करते ही यानी जब वो प्रधानमंत्री थी देश को छोड़कर चली गई। इंदिरा गांधी पर 31 गोली चली थी। असल में इंदिरा के सबसे वफादार सुरक्षाकर्मी बेअंत सिंह अचानक उनके सामने आ गए। इंदिरा गांधी को जैसे ही लगा कि वो उन्हें नमस्ते करेंगे कि अचानक गोलियों की आवाज से माहौल गूंज उठा। इंदिरा गांधी कुछ समझ पाते इससे पहले ही उनके ऊपर ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां बरसने लगी। 31 अक्टूबर 1984 के उस दुखद दिन को आज भी जब याद किया जाता है तो जिस्म थरथराने लगता है। इंदिरा गांधी अपने घर से लगभग सुबह 9:08 पर निकली। वो एक इंटरव्यू के लिए जाने वाली थी, लेकिन उससे पहले वो अपने दफ्तर के लिए निकली। कुछ 10 कदम ही हुए थे कि उनका सबसे वफादार सैनिक बेअंत सिंह सामने आया। इंदिरा गांधी को लगा कि वो हमेशा की तरह आज भी उन्हें नमस्ते कहेगा। उससे पहले वो नमस्ते कहता इंदिरा गांधी को, इंदिरा गांधी ने खुद ही अपने हाथ मुड़कर उसे नमस्ते करने जा रही थी कि एक आवाज सुनाई दी। आवाज गोली की थी जो बेअंत सिंह ने इंदिरा पर चलाई थी। उसने अपने .38 के रिवॉल्वर निकाल कर 5 गोली इंदिरा के जिस्म में उतार दी। वहीं गोली की आवाज सुनकर इंदिरा का वफादार सैनिक सतवंत सिंह आया और अपने बंदूक की सारी गोली इंदिरा पर चला दी। इंदिरा गांधी को जब गोली लगी तो 10 सेकंड ही वो बोल पाई और उनके शब्द थे, ये क्या कर रहे हो। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी को अपने दोनों सैनिकों पर सबसे ज्यादा भरोसा था, लेकिन उनके इन वफादार सैनिकों ने क्या कर दिया। घटनास्थल के पहले चश्मदीद गवाह राजेंद्र कुमार धवन थे, जो उनके साथ चल रहे थे। दूसरे चश्मदीद गवाह इंदिरा की बहू सोनिया गांधी थी, जो गोली चलते ही बाहर निकली
और जोर से चिल्लाने लगी। तीसरे चश्मदीद गवाह कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार थे। इस घटना के तुरंत बाद ही एम्बुलेंस बुलाया गया। ये घटना सफदरगंज रोड की है और ये बात उस वक्त सफदरगंज रोड तक ही था। देश को उस वक्त खबर ही नहीं थी कि आज देश में कितनी बड़ी घटना हो चुकी है। आज देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी, इसका अंदाजा भी देश के लोगों को नहीं था। हॉस्पिटल पहुंचते ही इंदिरा गांधी का पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम में पता चला कि इंदिरा को 31 गोली लगी थी, जिसमें से 30 गोली लगी और 31वीं गोली छूकर निकल गई थी। 30 में से 23 गोली शरीर से आर पार हो गई थी, वहीं 7 गोली जिसने फेफड़े को छलनी कर दिया था। सिर्फ 7 गोली ही डॉक्टर को मिला था। इंदिरा का लीवर गायब था। इस भयानक हत्या ने देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। इंदिरा गांधी को पहले से ही पता था कि मौत उनके सर पर है। उन्हें यह आभास हो गया था कि उनकी जिंदगी कुछ ही दिनों की है। जी हाँ, भले ही 31 अक्टूबर का वो काला दिन लोगों को सन्न कर देता हो, लेकिन इंदिरा ने मौत का जिक्र अपने भाषण में कई बार किया, मानो इंदिरा को सब कुछ पता हो। ये बात तब साबित हो जाती है जब इंदिरा ने अपने प्रमुख सलाहकार H.Y. शारदा प्रसाद के लिखे शब्दों को छोड़कर एक भावुक भाषण दिया। आइए बताते हैं भाषण में क्या कहा था इंदिरा गांधी ने। 30 अक्टूबर 1984, हत्या के 24 घंटे पहले इंदिरा का वो भाषण, मैं आज यहाँ हो सकती हूँ, कल नहीं हो सकती। मुझे चिंता नहीं है कि मैं जीवित रहूं या नहीं, मेरी लंबी उम्र है और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरा सारा जीवन लोगों की सेवा में गया है और जब तक मेरी सांस है मैं सेवा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो खून का कतरा कतरा भारत को मजबूत करेगा। इस भाषण से मानो इंदिरा अपनी मौत को ललकार रही थी। इंदिरा जब मंच से उतर रही थी तब उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं दिल्ली आऊंगा तो आपसे मिलूंगा। तो इस पर इंदिरा गांधी बोली, जरूर, मैं जब रहूंगी। मानो इंदिरा गांधी को अपनी मौत का अंदाजा हो चुका था। जब इंदिरा 3 दिन के दौरे में उड़ीसा में थी तो उन्हें पता चला कि प्रियंका राजीव के स्कूल बस का एक्सीडेंट हो गया है। घटना इतनी बड़ी नहीं थी पर फिर भी दादी अपने पोते पोती को देखने दौरा रद्द कर चल पड़ी, क्योंकि यहाँ तो नियति इंदिरा के मौत के साजिश रच रहा था। सोनिया गांधी बताती हैं कि उस दिन माँ यानी इंदिरा गांधी सोई नहीं, मानो यमराज उनका इंतजार कर रहे थे। सोनिया गांधी जब दवा लेने उठी तो इंदिरा जग रही थी और सोनिया के दवा ढूंढने में उनकी मदद की और कहा, जरूरत हो तो बताना। उस समय राजीव गांधी पार्टी के काम में व्यस्त थे। इंदिरा गांधी ने कई भाषण में अपनी मौत का जिक्र भी किया। वैसे तो इंदिरा गांधी अक्सर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर ही बाहर जाती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने जैकेट नहीं पहना था। आखिर क्यों नहीं पहनी थी जैकेट, आइए बताते हैं। इंदिरा गांधी अक्सर सुबह 6 बजे उठ जाया करती थी। इसके बाद वो अपने योग गुरु के सहयोग से योग किया करती थी। इंदिरा के योग करने की आदत की वजह से ही उन्हें कभी भी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ा। योग करने के बाद ही वो दूसरा काम किया करती थी। वे अपने परिधान का चुनाव दिन में क्या काम करना है इसको देख कर करती थी। उस दिन उन्हें एक इंटरव्यू के लिए जाना था। वो इंटरव्यू एकेडमी अवार्ड विनर जर्नलिस्ट पीटर लेने वाले थे और इसके पहले वो अपने दफ्तर जा रही थी तभी ये हादसा हुआ। इंदिरा ये सोच कर कि दफ्तर तक ही तो जाना है, जैकेट नहीं पहनी और उन्हें लगता था कि जैकेट के साथ उनकी फोटो अच्छी नहीं आती, इसलिए उस दिन वो जैकेट नहीं पहनी थी। उन्हें क्या पता था कि उनकी मौत का साजिश रचने वाले इस पल के इंतजार में थे।
खैर, इंदिरा गांधी के जाने का दुख तो आज भी पूरे देश को है। उस वक्त की सबसे बहादुर महिला, जिन्हें पूरी दुनिया आयरन लेडी के नाम से जानती है। इंदिरा गांधी का प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखने का सपना था, जिसका इंतजार तो पूरे देश को है। आगे की कहानी के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।